कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम। पंख लगा के कहाँ उड़ चले ओ हंसनी, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चले, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चले। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली।
वहां उड़ चले। स्कूल चेंबूर इथून 1983-84 मध्ये देऊन त्यात ते उत्तीर्ण झाले। 10वी नंतर पुढील शिक्षण न घेता त्यांनी आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी 1985 साली टीव्ही व व्हिडिओ कॅसेट्स भाड्यावरती देण्यास सुरुवात केली। त्यानंतर 1987-1990 या काळात त्यांनी व्हिडिओ थिएटर सुरू करून व्हिडिओ शो दाखवण्याचा व्यवसाय सुरू केला। 1 एप्रिल 1990 हा श्री सुवर्णाजींच्या व्यावसायिकतेला महत्त्वपूर्ण कलाटणी देणारा दिवस ठरला। या दिवशी त्यांनी श्री जगजीत सिंग कोहली, श्री योगेश राधाकृष्णजी, श्री योगेश चहाजी आणि स्वर्गीय श्री राम पंजाबी यांच्या पाठिंब्याने केबल मास्टरची डिस्ट्रीब्युटरशिप मिळवली। त्यावेळी त्यांच्याबरोबर काम करणारे श्री अब्दुल शेख व श्री गणेश पिल्लय आजही त्याच विश्वासाने व प्रेमाने कामाची धुरा सांभाळत आहेत। 1990 ऑक्टोबर महिन्यामध्ये केबल मास्टरच्या एनकोर डिव्हिजनमध्ये श्री सुवर्णाजींची रेडिंग ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली। 4 वर्ष ते या पदावर कार्यरत होते। 25 मे 1993 साली श्री सुवर्णाजींचा विवाह सौ स्वाती आमोणकर यांच्याबरोबर गोवा इथे पार पडला। त्यानंतर 8 एप्रिल 1994 या दिवशी या उभयतांना कन्यारत्नाचा लाभ झाला। या कन्येचं नामकरण विधी सोनाली या नावाने संपन्न झाला। त्याच वर्षी श्री सुवर्णाजींनी सोनाली केबल विजन या नावाने स्वतःचा पहिला केबल नेटवर्क सोमवार बाजार मालाड मुंबई इथून सुरू केला। त्यावेळी श्री जोसेफ चेट्टी आणि श्री परेश ठक्कर आजही त्यांच्याबरोबर जोडलेले आहेत। डिसेंबर 1994 श्री सुवर्णाजी यांनी आपले मित्र व केबल ऑपरेटर श्री जयेंद्र पाटीलजी यांच्या जागेमध्ये इन केबल कंट्रोल रूम सुरू केली। त्याकरता त्यांनी केबल मास्टर ग्रुप व हिंदुजा ग्रुप यांचं सहकार्य मिळवलं। 1996 सुवर्णाजींनी पहिली कार विकत घेतली, मारुती 800। 1997 श्री सुवर्णाजी यांनी कुरार विलेजमधून गौरव गार्डन चारकोप कांदिवली इथे नवीन घरामध्ये प्रवेश केला। 1998 साली त्यांना द्वितीय कन्येचा लाभ झाला। तिचं नाव त्यांनी पूजा असं ठेवलं। 2003 सुवर्णाजींनी लिबर्टी गार्डन मालाड इथे सोनाली केबल विजनच्या ऑफिसची स्वतःची जागा घेतली। सुवर्णाजींचे पाळीव प्राण्यांवर विशेष प्रेम आहे। ते जातीने सर्वांकडे लक्ष ठेवून असतात। परमपूज्य सद्गुरु समर्थ अण्णा महाराजांचे पहिले दर्शन श्री सुवर्णाजींना 2004 गोवा इथे श्री हर्षदभाई सेठिया यांच्या निवासस्थानी झाले। त्यानंतर 2 वर्षांनी म्हणजे 2006 परमपूज्य सद्गुरु समर्थ अण्णा महाराज त्यांच्या ऑफिसमध्ये पोचले व त्यांना आशीर्वाद दिले। व्यवसायाचं विस्तारीकरण करताना 2007 सुवर्णाजींनी पुणे इथे केबल टीव्ही सर्व्हिस सुरू केली। 2008 सुवर्णाजींनी डोना पॉला गोवा इथे स्वतःचा सुंदर प्रशस्त बंगला बांधला। 17 जून 2008 या दिवशी परमपूज्य विनायक अण्णा महाराज यांच्या पदकमलाने अक्षरधाम मालाड
या त्यांच्या निवासस्थानाला पावित्र्याचा व आशीर्वादाचा स्पर्श झाला व ती वास्तू पावन झाली. दिनांक 5 मे 2010 या दिवशी पंढरपूर इथे झालेल्या परमपूज्य राऊळ महाराज स्मारक मंदिर व भक्त निवासाच्या स्थानी स्थापन केलेल्या परमपूज्य राऊळ महाराज तसंच विठोबा व रुक्मिणीच्या मूर्तींच्या प्राण प्रतिष्ठापनेचा सुवर्ण योग त्यांना परमभाग्याने लाभला. सन 2010 मध्ये सध्याचे राहते घर म्हणजे साई सोनाली हाऊस लिबर्टी गार्डन मालाड इथे बांधून पूर्ण झाले व सर्व कुटुंबीय त्या ठिकाणी राहण्यास गेले. पहिल्यापासून साई भक्त असलेल्या श्री सुवर्णाजी आमोणकर यांनी 13 डिसेंबर 2011 या दिवशी साईबाबांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना आपल्या या घरी केली. हा दिवस दरवर्षी स्थापना दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो व त्या दिवशी सर्वांसाठी भंडाराही केला जातो. सोनाली केबल विजनच्या व्यवसायात दिवसेंदिवस प्रगती होत असताना सुवर्णाजींच्या दोन्ही कन्या आपल्या शैक्षणिक क्षेत्रात नवीन टप्पे पार करत आहेत. त्यांची मोठी कन्या सोनाली हिने डॉक्टर डी वाय पाटील मेडिकल कॉलेजमधून MBBS डॉक्टरची पदवी मिळवली आहे. तर लहान मुलगी पूजा ही अमेरिकेमध्ये एरोनॉटिकलमध्ये शिक्षण घेत आहे. आपल्या सुवर्णा या नावाप्रमाणेच त्यांचं हृदयही सोन्यासारखं आहे हे त्यांनी सिद्ध केलं आहे आपल्या उत्तुंग कर्तृत्वाने. माननीय श्री सुवर्णाजी आमोणकर यांना 50व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए. जिंदगी के 50 साल उन्होंने जिस तरह से बिताए और आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, मैं चाहूँगा रियली दिल से ताली होनी चाहिए. और इन्होंने तो उस लेवल पे पहुँचे, लेकिन उसके साथ साथ में कितने लोगों को साथ में लेकर वो कुरार के लोगों को लेकर चले, ये सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने जो चीज़ जहाँ पर पुराने सब बड़े हुए वहाँ के लोगों को नहीं भूले. इसलिए मैं चाहूँगा दिल से ताली होनी चाहिए इनके लिए, प्लीज़. और दोस्तों, हमारे बीच में एक और कलाकार आए हैं जो हास्य कलाकार हैं, GTV हास्य के सम्राट हैं और जिन्हें नाम दिया गया है लाफ्टर ऑफ डॉक्टर. मैं चाहूँगा जोरदार ताली के साथ बुलाना चाहूँगा हास्य कवि महेश दुबे, जोरदार तालियां. का जो शानदार कार्यक्रम अभी यहाँ चल रहा था, उसके बीच में मुझे सुनना आपको ऐसा ही लगेगा जैसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे, बीच में छगन भुजबल भाषण करने खड़ा हो गया. लेकिन आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए. जिन चार लोगों ने ताली बजाई, जी चाहता है उतर के इनके पैर छू लूं. ये बाकी सबको समझा रहे हैं कि कवि को कैसे सुनना चाहिए. मेरे पास ना ढोलक है, ना तबला है, ना हारमोनियम है, न मेरी शक्ल देखने लायक है, न मेरी आवाज़ सुनने लायक है. केवल शब्दों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ूंगा, बात यहाँ से कहूँगा, आप वहाँ से सुनेंगे और सराहेंगे तो अगली बात कहने का मज़ा आएगा. क्योंकि मोहब्बत का मज़ा तो तब है जब ये दिल किसी के दिल से मिलता है, मगर मुश्किल ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है. तो थोड़ी देर के लिए आप अपना ध्यान मुझे दीजिए. मैं इस जोड़े को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सुवर्णा जी को और स्वाति जी को. सुवर्णा जी को विशेष बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक खर्चे में 4-4 ऑक्सीजन निपटाया है. ये मामूली काम नहीं है. मैं सुवर्णा जी को हृदय से प्रणाम करना चाहता हूँ. अभी यहाँ पर बहुत कलकत्ता के और बाहर बाहर के सारे आर्टिस्ट थे, मैं तो मालाड़ में रहता हूँ तो इसलिए मुझे भूल ही गए थे बुलाना. तो मैं तो सुवर्णा जी का ग्राहक भी हूँ, इस महीने से ही 350 का बढ़ा के 380 किया है. बहुत माइंडेड आदमी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ. कोई मामूली आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि सिंगल खर्चे में 4-4 ऑक्सीजन पटा दे. ये ट्रेन में आ रहे थे सुवर्णा जी, मेरे बाजू में बैठे थे, सामने एक चीनी आके बैठ गया, चाइनीज के हाथ पे एक मच्छर बैठा तो चाइनीज मच्छर मार के खा गया. तो सुवर्णा जी के हाथ पे मच्छर बैठा तो जिंदा ही पकड़ लिया और चीनी से पूछा खरीदेगा. जिधर कोई धंधा नहीं होता उधर बना सकते हैं साहब. नहीं तो जो आदमी 9वीं तक मालाड़ में पढ़ा हो वो 10वीं करने के लिए चेंबूर क्यों जाएगा. इसी से लगता है कोई इश्क मोहम्मद वाला एंगल रहा होगा, स्वाति जी को आज तक पता नहीं चला. आप सब चाहें तो इस जोड़े के लिए, क्या बात है सर,
ये कोई म्यूजिक बैकग्राउंड में दे रहा है, मैं इस बालक को प्रणाम करना चाहता हूँ। और यहाँ पर ऐसी लाइटें मेरे चेहरे पे पड़ रही कि मुझे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, तो मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चे जहाँ हैं वहीं रहें, क्योंकि एक मेरे घर पे भी है, 3 बार फेल हो गया, 4थी बार रिजल्ट लेने जा रहा था, मैंने कहा इस बार भी फेल हो गया तो मेरे को पापा नहीं बोलना। शाम को घर पे आया, मैंने पूछा क्या हुआ, बोला छोड़ ना यार महेश, कोई और बात कर। झूठों से नफरत करता हूँ, सच्चे अच्छे लगते हैं, बस इतनी सी बात है, मुझको बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चों के मन का जो उत्साह है, जो प्रफुल्लता है, उसका कुछ प्रतिशत हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी जीते जी स्वर्ग हो सकती है। लेकिन हम लोग तो टेंशन में रहने वाले लोग हैं, फोकट का टेंशन ज़्यादा लेते हैं। एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था, मैंने पूछा किस बात का टेंशन है, बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा, तो फोकट का टेंशन तो कोई भी ले लेता है। और प्रॉब्लम भी ऐसी ऐसी खड़ी हो जाती है, कसम से एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, जोर जोर से रो रहा था, मैंने कहा मालूम था इतना दर्द होगा तो क्यों बनवाया, बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई, कैटरीना लिखवाने गया था कुतरीना लिख दिया। तो जिंदगी में प्रॉब्लम कहाँ से आएगी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप आनंद करने की मानसिकता में रहो, खुश रहना सीख लो, तो दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपके सामने खड़ी हो सके। साहब मैं फ्लाइट में आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है, मैं 3रे नंबर पर बैठा था सी पे, एक आदमी खिड़की के पास हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी वॉशरूम जाना है, मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके आता बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी, 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या, बोला है ना खुल नहीं रही है। तो जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता, मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। आप आनंद लेंगे तो आपको मिलेगा साहब। और आप तो देखिए सुवर्णा जी के साथ रहने वाले लोग हैं, ऐसे आनंद लेने वाले आदमी। एक बार मैं मर्सिडीज खरीदने गया, आप लोग तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सही में गया था, 5 रुपया कम पड़ गया, मैंने बोला दे दे यार, बोले नहीं कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करता है, 5 रुपया लेके आओ। मैं बाहर निकला, सुवर्णा जी मिल गए, मैंने कहा सर 5 रुपया दो, बोले क्या करेगा, मैंने कहा मर्सिडीज खरीदूंगा, बोले 10 रुपया पकड़ एक मेरे लिए भी लेके आ। मामूली आदमी नहीं है। इनके पड़ोस में एक साउथ इंडियन मर गया, अपने एरिया में रहते हैं, साउथ इंडियन मर गया, उसको जलाने को लेके गए तो एक साउथ इंडियन रोने लगा, सबने पूछा क्या हुआ, उसने बोला मैंने इससे 1000 रुपया कल ही उधार लिया था, मर गया मैं क्या करूं, मेरे सिर पे उधार है। सबने बोला 1000 की नोट 500 की 2 नई नई इसकी चिता पे रख दो, तुम्हारा उधार पट जाएगा। उसने 500 की 2 नोट रख दी, सुवर्णा जी देख रहे थे ये भी रोने लगे, सबने पूछा क्या हुआ, बोले मैंने भी 1000 रुपया उधार लिया था मैं क्या करूं, सबने बोला आप भी 1000 की नोट रख दो, इन्होंने 1000 की नोट नहीं रखी, 2000 का चेक फाड़ा, 2000 का चेक रखा, 1000 कैश निकाल लिया। जो आदमी चिता को एटीएम मशीन बना सकता वो इतना बड़ा केबल नेटवर्क चला सकता साहब, एक बार जोरदार तालियां सुवर्ण जी के लिए होनी चाहिए। ऐसे माइंडेड आदमी के साथ आप लोग रहते हो, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, टेंशन के पीछे मत पड़ो। छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, गुस्सा करना और चिड़चिड़ाना हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर हंसना और मुस्कुराना हम भूल गए। अगर छोटी छोटी बातों पर हम फिर हंसना शुरू कर दें, हमारी ज़िंदगी जीते जी स्वर्ग हो सकती है। समस्याओं का क्या, एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने काट दिया, बोले इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम के बाद दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए, फिर डॉक्टर बोला आप प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। जब तक प्रॉब्लम समझ में आती है पैर कट जाते हैं, इसीलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश मत करो, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब एक प्रॉब्लम तो यही है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो पता नहीं किसकी किसकी ले रहा है, और दिख भी ऐसा रहा जैसे लिट्टे से भागा हुआ है। ऐसा होता रहता है साहब, कहीं भी कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। हिंदुस्तान में एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो, डॉक्टर बोला हाँ, बोले चल के छुड़वा दो ना प्लीज, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली।
एक और आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला इधर दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोला ये तो किडनी पेन है, दारू पीता है क्या? बोले हाँ छोटा ही बनाना। हाँ, मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों पे आदमी तीन बार हंसता है, पहली बार बात समझ में नहीं आई बाजू वाला हंस रहा है उसको देख के हंसने लगता है, दूसरी बार जब बात समझ में आती तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो साला मैं फोकट में ही हंसा था यार। इसीलिए हंसी आए चाहे नहीं हंसते रहिए, क्योंकि उसी लिए मैं बोल रहा हूँ। और हंसने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। सोने के सिंहासन पर बैठे हुए बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती और फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अगर आपके अंदर सुकून है, शांति है, हंसने का जज्बा है, तो आपको कौन रुला सकता है? लेकिन समस्या क्या, आप क्या करोगे? मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था, मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा? बोले हाँ सेक्रेटरी साहब ने बोला है, सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता है। हिंदुस्तानी आदमी कहाँ से कौन सी चीज घुमा ले कोई नहीं बता सकता। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जा रहा था, एक अंकल साइकिल चला रहे थे, आंटी को ठोक दिया, आंटी गिर गई तो गाली देने लगी, बोली घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी अलग से खोल के मारू? ऐसा चलता रहता है साहब, ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। लेकिन हंसने के लिए इंसान को अपना घमंड छोड़ना पड़ता है साहब, ईगो छोड़ना पड़ता है। जब तक आपको ये याद रहता है ना आपके पास कितने पैसे हैं, आप हंस नहीं सकते। जब तक आपको ये याद रहता है आप किस पद पर बैठे हैं, आप हंस नहीं सकते। जब तक आपको ये याद रहता है आप कितने खूबसूरत हैं, आप हंस नहीं सकते। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है उतनी देर ऊपर वाले की इबादत कर रहा होता है। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते, वो जहाँ चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। हम और आप चाहें तो मिलकर के छोटी सी महफिल को आनंद की धारा के रूप में बदल सकते हैं साहब। एक छंद सुनना, आप समस्या का छंद सुना रहा हूं। अरे बच्चों को बोलने दो मत रोको, जब रोक सकते थे तब नहीं रोका तो अब इनको कौन रोक सकता है यार। बच्चों को उनका आनंद करने दो, हमें बाइबल भी यही सिखाती है, वेद भी यही कहते हैं, कुरान भी यही समझाता है कि अगर उसको पाना चाहते हो तो बच्चों जैसे हो जाओ। बच्चों के मन का जो आनंद है उन्हें उठाने दो, आप अपना आनंद उठाओ। और छंद सुनो, कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। कुंभ के में कुछ लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मेरा पहले का बिजनेस वही हो। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए, मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं, नर जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा, अभी बाबा किसे बोल रहा कौन यहाँ नागा है। मैं भी एक गृहस्थ हूँ जो नहाने गया था, पहरे एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा। तो इस देश में तो कोई भी कुछ भी बन जाता है साहब। एक कविता सुनाता हूँ आपको, देखो ऐसा है ना, आज तो बहुत बड़ा शुभ अवसर है कि चार चार यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन है और चार चार ऐसे मुहूर्त आए हुए हैं कि यहाँ पर इतने लोग जुटे हुए हैं, कसम से बता रहा हूँ। अभी हमने देखा 25 साल विवाह के पूरे हुए, आज एक साथ में खड़े रहने के लिए ये लोग ने सुबह से कितनी प्रैक्टिस की होगी मालूम है। 25 साल शादी को हो जाए और साथ में बैठ के आदमी हंस मुस्कुरा ले, आसान बात नहीं है साहब। अपने देश में जो जितना बड़ा पत्नी पीड़ित होता है उतना ही बड़ा कवि बन जाता है। आइए सर, कोई बात नहीं, इस जहां में प्यार महके जिंदगी बाकी रहे, ये दुआ मांगो दिलों में रोशनी बाकी रहे, और आदमी पूरा हुआ तो देवता हो जाएगा, ये ज़रूरी है कि उसमें कुछ कमी बाकी रहे। हम अपनी ज़िंदगी कमियों के साथ जीनी पड़ती, बिल्कुल फैमिली फंक्शन चल रहा है और लोग अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं, आप लोग भी कोई टेंशन नहीं लो। एक कविता आपको सुनाता हूँ, सुनो, बिल्कुल नई कविता मैंने लिखी है अभी एक टीवी चैनल के लिए, जिसमें मुझे कुछ बाबाओं के लक्षण बताएं, उनके नाम आप बताना, सुनना आप, मज़ा आएगा साहब।
ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदाना ई चकदाना बी चकदाना। जब तक हर आदमी ताली नहीं बजाएगा मैं यही सुनाता रहूँगा, मेरा क्या जा रहा है। ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदाना। करम बताता हूँ मैं जिनके नाम आप बतलाना ई चकदाना। नाम बताता हूँ, लक्षण बताता हूँ, नाम आप बताना। सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, गुंडागर्दी करता था पर डेरा प्रमुख कहता था। दिखने में भी जो लगता है गब्बर सिंह का नाना, नाम बताना। क्या बात है सर, आज के तो डेरा प्रमुख सुवर्णा जी हैं। बिल्कुल, आप तीन भक्त यहाँ पे खड़े हैं, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ आपको। तो अगले अगले का लक्षण ऐसे मत सुनो यार जैसे चिड़ियाघर में जाके आदमी भालू को देखता है। हाँ, आनंद करते हुए सुनो। देखो आनंद की बात सुना रहा हूँ मैं। ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदाना। करम बताता हूँ मैं जिनके नाम आप बतलाना ई चकदाना। भक्तों की बाहों में जो मुस्का कर झूला झूली है, हाथ लिए त्रिशूल खड़ी है अपना आपा भूली है। शौक एक है होठों पर मोटी लाली लगवाना नाम बताना। ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदाना। करम बताता हूँ मैं, मुझे लगा मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही ब्लैक कैट कमांडो मुझे हर प्रोग्राम में मार के उतारते हैं। ऐसा खतरा कहीं कहीं से आ जाता है, आदमी डर जाता है। कोई बात नहीं, ई चक ये वो बात करने का है कि ये खुद बंद करेगा कि पुलिस बुलानी पड़ेगी। ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदाना। ईश कृपा का दावा करके जो कृपा बरसाता है, कभी समोसे खाने कहता चटनी कभी खिलाता है। शुद्ध चलाता है बिजनेस संतों का धर कर बाना नाम बताना। ई चकदाना बी चकदाना। अभी निर्मल बाबा क्या एक आदमी गया, बोला बाबा कृपा नहीं आ रही है। बोले कभी कवि सम्मेलन में महेश दुबे को सुना है? बोले हाँ। बोले ताली बजाई थी? नहीं। बोले उधर ही कृपा रुकी हुई है, आप लोग बजाओ तो कृपा चालू हो जाएगी साहब। ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदाना। चौथे पन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया, चौथेपन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया। सेवादारों का जत्था बाबा की पोलें खोल गया, अब बैठे पीसे चक्की और खाते जेल का खाना नाम बताना। ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदाना। बहुत बड़ा व्यापारी है ये पर कहने को बाबा है, एक आंख कम खुलती है पर सबकी गर्दन दाबा है। क्या बात है, इतना आजकल योगा का क्रेज चला हुआ भाई साहब, मैं तो क्या बताऊं, कमाल हो गया है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता था, अभी बंद कर दिया। हर झाड़ी के पीछे से फू फां की आवाज आती, समझ में नहीं आता अंकल छुप के योगा करें क्योंकि अजगर अभी निकल के काट लेगा। इतना योगा का क्रेज चला हुआ, इतना योगा का क्रेज चला हुआ है, आदमी कहीं भी योगा कर रहा है। मैं तो हाथ जोड़ के यही कहता हूँ भाई, जिसकी जहाँ ज़रूरत है वहीं करो। अभी एक मुस्लिम आदमी योगा के चक्कर में पड़ गया, पब्लिक ने पकड़ के मारा। अब तुम लुंगी पहन के फुटपाथ पे शीर्षासन करोगे तो पब्लिक पागल है क्या? जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहीं करो। अभी मैंने देखा इधर एक कुत्ता उलट पलट हो रहा था, मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले पतंजलि का बिस्कुट खा गया है। इतना योगा का साइड इफेक्ट चला हुआ है साहब। मैं तो सामना अखबारों में पिछले 13 सालों से नियमित कॉलम लिखता हूँ, डेली आता है मेरा,
लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं कविताओं में जवाब देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान का अकेला ऐसा कॉलम है जो इतने सालों से चल रहा है। एक ने मुझसे पूछा, मैंने योगा किया, मेरी कमर टेढ़ी हो गई। मैंने कहा एक्साइटमेंट में ज़्यादा किया होगा। मैंने उसका उत्तर दिया, बाबा से कहा हमने, हमें ये बताइए बालों के उगने का कोई नुस्खा सुझाइए। बाबा जी बोले, बाल की लो सौगात चाहिए, नाखून को नाखून पे बस घिसते जाइए। तो बाबा की बात मान के मैंने घिसे नाखून, मार्च भी घिसता रहा, अप्रैल मई जून, एक रोज जो देखा तो गिरा उंगली में से खून, ना बाल उगा एक भी, सब गिर गए नाखून। ट्रेन में आ रहा था, तीन चार कपल घिस रहे थे। मैंने कहा इससे क्या होता है, बोले बाल बढ़ते। मैंने कहा ये आंटी क्यों नहीं घिस रही है, बोले 6 महीना इतना जोर से घिस दिया ना, दाढ़ी मूछ आ गई। बहुत बड़ा व्यापारी है ये पर कहने को बाबा है, एक आंख कम खुलती है पर सबकी गर्दन दाबा है, भागा था सलवार पहनकर अब भी ना पहचाना, नाम बताना ई चकदान ना भी चकदान। वो तो आप लोग पैसा वसूल करने की मानसिकता में यहाँ बैठे हो, नहीं तो इतनी देर से आप लोग सुन रहे हो। साहब मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, कविता कोई आसानी से सुनता नहीं है, लेकिन आप सब किसके साथी हो इसलिए आप वसूल करने के हिसाब से बैठो, नहीं तो खाना चालू होने वाला है। लेकिन आप सब एकदम वसूल करो, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ साहब आपको, कसम से बता रहा हूँ। अभी मैं मंदिर में गया था तो एक काटेकर साहब जो हमारे हैं ये ऑर्गेनाइज़र, ये साथ में गए, तो मेरे को बोले देख एक आइडिया बताता हूँ, चप्पल ऐसी जगह उतार जहाँ से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि भगवान तो कल भी इधर ही मिलेंगे, चप्पल का भरोसा नहीं है। तो मैंने इनकी आइडिया मान ली, मैं चप्पल उतार रहा था तब तक सुवर्णा जी आ गए, बोले आइडिया पुराना हो गया, मेरा आइडिया सुन, एक चप्पल 3 नंबर गेट पे उतार, दूसरा 5 नंबर गेट पे उतार, खाली अपने को मालूम है चप्पल कहाँ पड़ी हुई है। ऐसे माइंडेड आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही थोड़ी चार चार कार्यक्रम एक साथ में पटा दिया साहब। मैं घरवाली के पास गया, कोई आसान काम नहीं है 25-25 साल साथ में बिता पाना, कोई आसान काम नहीं है। मैं घरवाली के पास गया, अपने देश में जो जितना बड़ा पत्नी पीड़ित होता है उतना ही बड़ा कवि बन जाता है। तुलसीदास को उनकी पत्नी ने मारा वो महाकवि बन गए, कालिदास को उनकी पत्नी ने पीटा वो महाकवि बने, बहुत जल्दी मैं भी महाकवि बनने वाला हूँ। और मैं पत्नी पीड़ित हूँ, मैं छुपाता भी नहीं, मेरा हेयर स्टाइल ही चीख चीख के बता देता, और हेयर स्टाइल के हिसाब से देखो तो मैं तो बहुत मामूली कवि हूँ, मुझे तो सामने एक महाकवि बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अपने देश में हर पुरुष के सर पे हाथ घुमाने का अधिकार 2 महिलाओं के पास होता है, एक माँ के पास और घरवाली के पास, दोनों के हाथ घुमाने में अंतर होता है। माँ हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, बहुत से लोग लेफ्ट और राइट में मुंडी घुमा के चेक कर रहे हैं कि किसके सिर पे किसका हाथ ज़्यादा घूमा हुआ है, और ये भाई साहब के सिर पे तो लगता है आधे एरिया का हाथ घूमा हुआ है। मैं घरवाली के पास गया, मैंने कहा 500 रुपया दे चश्मा बनवाना है, दूर की नज़र कमज़ोर हो गई। बोली फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे एरिया में कोई नहीं है। मैंने कहा उस काम के लिए चश्मा नहीं बनवाना है, अरे मैं रात को प्रोग्राम से आता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा है। मेरा कान पकड़ के टेरेस पे लेके गई, ऊपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है, मैंने कहा चांद है, बोली और कितना दूर देखेगा। ये महिलाओं की कठोरता साहब, इन्होंने मारपीट के हमको कवि बना दिया है। हर शादीशुदा आदमी अपने पॉकेट में घरवाली का फोटो रखता है, महिलाएं सोचती हैं मुझसे बहुत प्रेम करता है इसीलिए मेरा फोटो लेकर घूम रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर शादीशुदा आदमी अपने पॉकेट में घरवाली का फोटो इसीलिए रखता है कि जिंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, खीसे में से घरवाली का फोटो निकाल के देख लेता है, मुसीबत छोटी लगने लगती। मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने कपड़े खुद धोता था, सुवर्णा जी आके डांटते थे तू कवि आदमी है, कुर्ता पायजामा खुद धोता अच्छा नहीं लगता, शादी कर ले। मैं इनकी बातों में आ गया, मैंने शादी कर ली। 6 महीने के बाद ये फिर आया, मैं कपड़ा धो रहा था, ये बोले शादी के बाद भी कुर्ता पायजामा खुद ही धो रहा है। मैंने कहा आँख खोल के देखो साड़ी ब्लाउज है। महिलाएं बड़ी कठोर होती हैं, पुरुष बड़े कोमल होते हैं। अभी सुवर्णा जी से मैंने कहा कि स्वाति जी के साथ बैठ के हंसो, तो बोले आधा घंटा तो अपनी जिंदगी जी लेने दे यार, नहीं तो 25वीं वर्षगांठ को कोई इतना दूर बैठता है, और वो भी ऐसे पोज में बैठेंगे वहां से दिखता रहे कि स्वाति जी हंस रही हैं कि नहीं, और वो हंसती हैं तो वो धीरे से हंसते हैं, ये ऐसा होता रहता है साहब। मैं आपको सच बताता हूं, अच्छा महिलाएं सोच रही मैं झूठ मूठ इनको, भाई साहब आप कुछ खा पी लेना, बड़े कमजोर लग रहे हो, इधर सब फ्री है। आखिरी उदाहरण देता हूं, महिलाएं कितनी कठोर होती हैं, पुरुष कितने कोमल होते हैं साहब।
एक ही भाई साहब हैं जो शुभम मोती वाले का बैग लेके एक एक आदमी से मिल चुके हैं। ये जब से आए हैं इनका बैग एक एक आदमी ने चार चार बार देख लिया कसम से। एक बार जोरदार ताली बजा दो, अब दे ही दो भाई साहब। ये आसान काम नहीं है इतनी देर तक वजन उठाए रखना और हर किसी के पास जाना और झुक करके मिलना और बैग उसकी आंखों के आगे कर देना। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं साहब। आखिरी उदाहरण सुनिए। हाँ सर, हाँ सर, मैडम ऐसा है ना, देखिए ये बिल्कुल आनंद की बात है, गलत फहमियों को दिल से ज़रा साफ कर देना, मुजरिम तो नहीं हूँ, मेरा इंसाफ कर देना, जो कुछ भी कह रहा हूँ सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगे घर तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास तो हास्य के लिए और कुछ है नहीं, मैं केवल बातों से उठाता हूँ ना, यहाँ पर मेरे पास म्यूजिक है ना कुछ है। और माता जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, इस परिवार को इसलिए प्रणाम करना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ, वहाँ पर केवल कपल्स आते हैं, ना बच्चे आते हैं ना बूढ़े आते हैं, लेकिन अमूनकर परिवार को इसलिए प्रणाम करना चाहता हूँ कि सबसे अग्रिम पंक्ति में ला करके माता जी को बिठाया है और यहाँ पर इतने बुजुर्गों को भी बुलाया है। इमारत की मजबूती के लिए पाया बहुत ज़रूरी है, आत्मा की यात्रा के लिए काया बहुत ज़रूरी है, और आप माने या ना माने मगर ये बात सच है कि हमारी और आपकी उन्नति के लिए बड़े बुजुर्गों का साया बहुत ज़रूरी है। मैं तो अमोनकर परिवार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और चार पंक्तियां देता हूं। हर बात पर पिघल जाता है, मैं प्रणाम करना चाहता हूं, मेरी चार पंक्तियां आपको देता हूं, आपके हृदय को लग जाए तो बताना कि दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है, भले गलती करो 100 बार माँ कब याद रखती है, दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार माँ कभी याद रखती है। ऐसी माँ को इतना सम्मान देकर के यहाँ बिठाया, इसलिए मैं अमोनकर परिवार को प्रणाम करता हूँ। नहीं तो प्रोग्राम्स में हम जाते हैं, लोग कहते हैं कि केवल हम आनंद करना चाहते हैं, ना बुजुर्गों को लाते हैं ना बच्चों को लाते हैं, उस परिवार में मैं प्रणाम करता हूँ। और आखिरी बात कर करके अपनी बात समाप्त करूँगा सर। हास्य के ही माहौल में रहते हैं, कोई बात नहीं चलता रहता। मैं आपको जो बता रहा था महिलाओं का हृदय कठोर होता है, महिलाएँ सोच रही हैं ये भी देखो कठोरता भी नजर आ गई, महिलाएं सच में बड़ी कठोर होती हैं, लेकिन एक उदाहरण आपको देता हूं जिससे बात सिद्ध हो जाएगी कि महिलाओं का हृदय बहुत छोटा होता है, पुरुषों का हृदय विशाल होता है। आप सब कल्पना करें, लोकल ट्रेन के एक भीड़ भरे डिब्बे में एक अपरिचित महिला और पुरुष यात्रा कर रहे हों, अनजान अगल बगल बैठे हों, अचानक पुरुष को नींद आ जाए और गलती से उसका सिर महिला के कंधे पर टिक जाए तो महिला क्या करेगी? जितनी गालियां उसे याद होंगी सब बेचारे पुरुष पर समर्पित कर देगी, अगल बगल के यात्रियों से कह के उसका पूजन भी करवा सकती है। कोई मेरे जैसा शरीफ होगा तो वहीं सुसाइड कर लेगा। यह है महिला का संकुचित हृदय, छोटा सा हृदय। अब आप कल्पना करें ट्रेन के उसी भीड़ भरे डिब्बे में वही अपरिचित महिला और पुरुष यात्रा कर रहे हों, अब महिला को नींद आ जाए और उसका सिर पुरुष के कंधे पर टिक जाए तो पुरुष क्या करेगा? मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 8 स्टेशन आगे तक चला जाएगा लेकिन कंधा नहीं हिलाएगा। उसके पास टिकट अंधेरी तक का होगा, चर्चगेट तक विदाउट चला जाएगा, टीटी पकड़ लेगा, एक हाथ से पैसा निकाल के फाइन भर देगा, लेकिन उसको कष्ट नहीं होने देगा जिसने उसका सहारा ले रखा। यह है हम पुरुषों के हृदय की उदारता, हमारे हृदय की विशालता, और यह है महिलाओं का संकुचित हृदय। मारे डर के पुरुष ताली नहीं बजा रहे, एक बार बजा दो यार। मैं चार पंक्तियां देकर जाता हूं, बहुत लंबा एपिसोड है, मैं तो बनारसी आदमी, मुझे माइक दे देना बहुत आसान है, वापस छीने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ता है, लेकिन चार पंक्तियां इस जोड़े को देकर के जाता हूं। फूल खिलते रहे, खुशबू आती रहे, जिंदगी हर घड़ी मुस्कुराती रहे, कह कहे आसमां से उतरते रहे, खुद खुशी आके खुशियां लुटाती रहे। और प्रेम बढ़ता रहे आप लोगों के बीच, घर की लक्ष्मी से घर में उजाला रहे, ऐसा पावन हृदय सबका कर दो प्रभु जैसे पूजा के पल में शिवाला रहे। सदा रहे जीवन में खुशियां, प्रेम सुधा में सनी रहे, सुवर्णा और स्वाति की जोड़ी युगों युगों तक बनी रहे, युगों युगों तक बनी रहे। क्या बात है, जोरदार तालियां महेश दुबे जी के लिए, हमारे हास्य कवि, और उन्होंने आप लोगों को हंसाया, इतने देर तक बिठा के रखा, जरा जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। दोस्तों मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा श्री मिलियन खेतले साहब, एसीपी साहब हमारे साथ बीच में, जोरदार तालियों से उनको स्वागत करिए, सर हमारे बीच में है। और यहाँ पर बुलाना चाहूँगा श्री अमोल कीर्तिकर जी, सर प्लीज़ आप भी आइए, आपका स्वागत है, जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। और साथ में बुलाना चाहूँगा श्री योगेश सर जी, योगेश शाह सर जी, प्लीज़ आप भी आइए, ज़रा तालियाँ बंद दीजिए सब इन लोगों के लिए प्लीज़।
अमूल जी, योगेश जी, मिलिन जी, आप सभी का स्वागत है आज के इस फंक्शन में। आप आए, तालियां। हम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर अमृत शर्मा जी, जहाँ भी हो प्लीज आ जाइए। जरा जोरदार तालियां सर के स्वागत में। अमृत जी आइए सर। और आज हमारे बीच में हर्ष एक गाना लेकर आपकी डिमांड पे आ रहे हैं।
क्या बात है दोस्तों, इस बच्चे के लिए दिल से तालियां बजाइए। सिर्फ 13 साल का है ये और गुजरात से मुंबई आया है और आप जैसी ऑडियंस के सामने आज पहली बार आ रहा है। और योगेश जी की एक फरमाइश है, इन्होंने कही कि इस बच्चे से गाना बजवाएगा शोले फिल्म की टाइटल म्यूजिक। क्या बात है यार, जोरदार तालियां इनके लिए। दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट है सैक्सोफोन इसे कहा जाता है, ये ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है और इतनी कम उम्र में बजाना बहुत मतलब हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और वाकई हमारे पूरे इंडिया में एक ही बच्चा है 13 साल का जो सैक्सोफोन बजा रहा है, तो ज़रा तालियां दिल से होनी चाहिए। और लकीली आज हमारे फंक्शन के लिए भी हमें ये सब बाबा की कृपा है सर कि आज ये अवेलेबल मिल गया। जोरदार तालियां दोस्तों। फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। Thank you.
जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। इस रंग रूप पे देखो हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, फूल खिलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू, दैट वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या जयेंद्र भाई, यार दिल से गाया आपने यार, दिल के आपके दिल की बातें, जोरदार तालियां जयेंद्र भाई के लिए। मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना
हम ना करेंगे प्यार। हर टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। हर टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अरे आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। अरे आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। हो हम ना करेंगे प्यार, हम ना करेंगे प्यार। थैंक यू वेरी मच भाई, तुम प्यार कर लेना, मैं ऐसे ही बोल रहा था। यस, सो आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग। आई थिंक मूड बहुत ही अच्छा है, कुछ मेलोडी गाने गाओ, आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। सो किशोर दा के और एक गाना मैं गाना चाहूँगा।